हेलो दोस्तों, हम वापस आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आज हम वापस आपके लिए लेके आए हैं प्रबंध के आगे का जो टॉपिक हमने कल छोड़ा था उससे आगे। इससे आगे वाली क्लास में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपका प्यार ही मिलता रहे ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए हर दिन कुछ नया लेके आए। देखते हैं आगे। कल हम चर्चा कर रहे थे प्रबंध के बारे में। मैनेजमेंट जिसकी विशेषताओं के बारे में अपने अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर एक संगठन में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी प्रकार का संगठन है, उसमें व्याप्त होता है। इसका होना या नहीं होना इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके होने का पता उस संगठन के कार्यों के द्वारा, क्या जो संगठन उन्नति कर रहा है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों की कि प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वे कौन कौन से हैं, किन किन के लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक उद्देश्यों की। क्या होते हैं प्राथमिक उद्देश्य? तो देखिए, हम सबको पता है कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो प्रबंध का भी सर्वप्रथम उद्देश्य ये होता है कि हम जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए संलग्न हो रहे हैं, हम जैसे व्यावसायिक उपक्रम की बात करते हैं तो व्यावसायिक उपक्रम का क्या कार्य होता है? कम से कम कीमत पर अधिकतम वस्तु का उत्पादन करना। तो यहां पर देखिए, प्राथमिक उद्देश्य में सबसे पहले चीज आती है आपकी उचित कीमत पर उत्पाद एवं सेवाओं का उत्पादन। प्रदर्शन करना है हमको, उत्पादन करना है, लेकिन करना कैसे है? उचित कीमत पर। कीमत उचित होनी चाहिए, उसकी सबसे पहली शर्त है। सेकंड कहते हैं इसमें अब जैसे ही आपने उस वस्तु का उचित कीमत उत्पादन कर दिया तो आपको उसको उचित मूल्य पर ही बाजार में अवेलेबल करवाना है, उपलब्ध करवाना है, जिससे कि अधिकतम लोग उसका लाभ उठा सके। तो उसका जो वितरण करना है वह भी उचित मूल्य पर करना होगा। चर्चा करते हैं हम इसके तीसरे बिंदु की, जिसमें कहा गया है कि जो संसाधन है, कौन से संसाधन? जो उत्पन्न कार्य में संलग्न है, इसमें मानव संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन, दोनों को शामिल किया जाएगा। तो संसाधनों को उचित पारिश्रमिक जैसे हम लोग सुनते आए हैं कि साहब हम जो कुछ कार्य करते हैं उसके बदले में हमें कुछ न कुछ चाहिए, और उस कुछ न कुछ को हम कहते हैं प्रतिफल। इसी प्रतिफल की आशा से हम कार्य करते हैं। हम जो कोई कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रतिफल मिलता है, और इसी प्रतिफल से हम क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं, और उसी बेसिस पे हम कार्य को करते हैं। तो संसाधन कौन से? जो उस संस्थान में किसी विशेष उत्पाद के या सेवा के उत्पादन के लिए संलग्न है, उनके बारे में बात करना है तो उनको क्या होना चाहिए? उचित मात्रा में पारिश्रमिक मिलना चाहिए, चाहे वहां कार्य करने वाला कर्मचारी हो या वे समस्त संसाधन, मशीनरी, उपकरण, उन सभी को उचित मात्रा में पारिश्रमिक मिलना चाहिए। बिना पारिश्रमिक के आप कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में एक अंतिम बिंदु और आता है। क्या होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए कोई भी संस्था कार्य करती है। एक संस्था का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना, और ध्यान रखिएगा लाभ भी कैसा होना चाहिए? उचित मात्रा में।
संगठन को लाभार्जन करना है, लाभ अर्जित करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा लाभ कैसा होना चाहिए, उचित। अगर आप अनुचित तरीके से लाभ अर्जित करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका जो संगठन है जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके संस्थान है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अधिक लाभार्जन के लिए आप क्या करेंगे, अपने ग्राहकों का शोषण करेंगे, उनसे अधिक मुद्रा वसूल करेंगे, जबकि हमें क्या करना है, हमें तो उचित मूल्य पर वितरण करना है, क्योंकि हमें ग्राहकों को बनाए रखना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम उचित मात्रा में लाभार्जन करेंगे, लालच नहीं करना है, क्योंकि आप जितने कम कीमत पर अच्छे वस्तुओं को मार्केट में उपलब्ध कराएंगे, आपकी वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने से स्वतः ही आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये तो हुए प्राथमिक उद्देश्य, लेकिन जैसा कि हमें विदित है, केवल प्राथमिक उद्देश्य पर सारा काम काज नहीं चलता। कुछ चीजें संगठन में ऐसी भी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उस कार्य को करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। चलिए देखते हैं वे क्या क्या है। तो बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पर, हम सहायक उद्देश्यों की। अब ये सहायक उद्देश्य कौन से हैं? तो वे समस्त कार्य जो इन कार्यों के, कौन से कार्य, प्राथमिक कार्य के लिए सहयोग करेंगे, भाई सहायक कार्य है तो इनके लिए सहयोग करेंगे, और तो किसके लिए सहयोग करेंगे, तो इनके सहयोग की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कार्य जो प्राथमिक उद्देश्यों के सहयोग के रूप में कार्य करते हैं, सहयोजक हैं उसके, उसकी हेल्प करते हैं, ये होते हैं सहायक उद्देश्य। क्या क्या हो सकता है इसमें, देखिए, तो सबसे पहले सहायक उद्देश्य में आता है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास करना कैसे होगा, हमें संसाधनों का समुचित उपयोग करना है, कैसे कर पाएंगे हम समुचित उपयोग, तो समुचित उपयोग के लिए हमें ध्यान रखना है कि उसी कर्मचारी को हमारे पास में, जो एम्प्लॉइज है हमारे, जो हमारे कर्मचारी है, उसी को उस कार्य में संलग्न करना है जो उस कार्य में दक्ष हो, सक्षम हो। जब व्यक्ति के पास में एक एबिलिटी होती है और उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अनुसार काम सौंपा जाता है, तो उस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से संपादित कर देता है। तो हमें भी ध्यान रखना है यहाँ पर, जो व्यक्ति योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुसार कार्य देना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, संसाधनों का क्या करना है, सदुपयोग करना है, विकास करना है। कैसे करेंगे, योग्यता अनुसार कार्य देकर। अच्छा, इसी में हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और क्या सहायक उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखिए, इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, उसके बाद में इस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम राजस्थान के निवासी हैं, तो मैं बात करता हूं राजस्थान के पहनावे की। हमारा पहनावा क्या क्या, सिर पे साफा, धोती, ये पहनावा है हमारा ग्रामीण परिवेश का। औरतें जो लहंगा चुनरी पहनती है, आप मुझे बताइए क्या ये जो पहनावा हमारा है, मैं दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग की बात कर रहा हूं, भारत के दक्षिणी भाग में अगर जा करके, यानी मैं केरल में, कर्नाटका में, या अन्य किसी महाराष्ट्र जैसे जगहों पर जा करके अपने पहनावे या अपने परिधान की अगर दुकान लगाता हूं, बड़ा सा शोरूम लगा देता हूं, तो क्या उन्हें खरीदने वाला मेरे को वहां कोई मिलेगा? हाँ, हो सकता है एक दो अपवाद रूप मिल जाए, लेकिन उतना नहीं जितने में मैं ये प्राप्त कर सकूं लाभार्जन। प्राथमिक उद्देश्य तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा चलो एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जिसमें मेरे पॉइंट का एक और बिंदु छुपा हुआ है। क्या है वो, ध्यान से सुनेगा। जैसे समय की उपयोगिता होती है, सीजन की बात करते ना अपन, सब सीजन चल रही है, और अगर आप लोग बिना सीजन के कुछ बेचोगे तभी लोग उसे नहीं खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का समय है, और ऐसे समय में अगर आप सर्दी में पहने जाने वाले गर्मी जो गर्म कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े में जैसे आपका स्वेटर है, ब्लेजर है, कोट है, जो कुछ भी आप सर्दी में यूज करते हैं, गर्म कपड़े जो आपके होते हैं, अगर आप उनका शोरूम लगाकर बैठ जाएंगे, तो मुझे बताइए कितने ग्राहक ऐसे होंगे जो आपकी दुकान पर आएंगे।
आपका जवाब होगा एक भी नहीं, क्योंकि जब समय गर्मी का है तो लोग क्या करेंगे, लोगों को सूती वस्त्र चाहिए जो उनको आराम दे सके। तो आपका जो सेकंड पॉइंट है वो इसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यथोचित, जैसा उचित हो वैसा। यथोचित समय एवं स्थान, यथोचित समय एवं स्थान। स्थान भी उपयुक्त होना चाहिए, कपड़े रास्ता में बेचने हैं तभी बिकेंगे, और उसका समय भी होना चाहिए। बारिश के मौसम में ही छाते बेचे जाते हैं, अदर टाइम में नहीं। हाँ, कुछ लोग गर्मी में यूज करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक कार्य कब होता है? बारिश में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, संसाधनों का उपयोग कर लिया, यथोचित समय स्थान की बात कर ली अपन ने। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें आता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय सबसे जरूरी है, और समन्वय किसमें करना है बताता हूं मैं आपको। जिस समन्वय की यहां बात की जा रही है, कोऑर्डिनेशन की जो बात की जा रही है, किसके बीच में समायोजन करना है, समन्वय या समायोजन शब्द में यहां लिख सकता हूं एक बार और, कैसा समायोजन करना है, किन के बीच में करना है। तो ध्यान दीजिएगा, समायोजन करना है संसाधनों के बीच में। हमारे जो संसाधन है उनमें हमें क्या करना है, समायोजन करना है, समन्वय करना है, जिससे कि हमारी जो चैन है वो बनी रहे, और उस चैन के अकॉर्डिंग हम अपने उद्देश्यों को यथासंभव और उचित समय पर प्राप्त कर सके। प्राथमिक उद्देश्य, सहायक उद्देश्य, उसके बाद हम आते हैं अपने व्यक्तिगत उद्देश्य पर। तो पॉइंट नंबर थर्ड अपना रहेगा व्यक्तिगत उद्देश्य। अच्छा, व्यक्तिगत उद्देश्य में क्या आएगा? एक छोटी सी बात जो जल्दी से आपके समझ में आने वाली है, क्या वो ये है कि देखो, प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी संगठन में जुड़ता है ना, तो उसका खुद का निजी हित होता है। आप भी अगर किसी संगठन में कार्य कर रहे हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी संगठन में कार्य कर रहा होता है तो उसका खुद का कोई ना कोई जरूर उद्देश्य रहा होगा। तो यहां उद्देश्य की बात किसके करेंगे? उद्यमी जो संगठन का मालिक है, कर्मचारी जो वहां कार्य कर रहा है, और प्रबंधक जो सारा मैनेजमेंट का कार्य संभालता है। तो इन सब का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। ये लोग अपने व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन में कनेक्ट हो जाते हैं, और इस कनेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं वे लोग? हाँ जी, ध्यान रखना, उद्देश्य की पूर्ति करनी है संगठन की, और संगठन की उद्देश्य की पूर्ति कर रही है, आपको अपना व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा करना है। ध्यान रखिएगा, केवल व्यक्तिगत उद्देश्य पर फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका जो संगठन है, आपके जो संस्थान है, आप अपने संस्थान को प्रायोरिटी देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे, और उसकी प्राथमिकता के साथ साथ में जैसे ही आप उनके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे, स्वतः ही आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो आपने उद्देश्य रखे हैं, आपकी जो चाह है, आपकी जो आवश्यकता है, आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो ये होते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य। अंतिम बात करते हैं हम सामाजिक उद्देश्य की। अब सामाजिक उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, चाहे प्राथमिक उद्देश्य हो, सहायक उद्देश्य हो, या व्यक्तिगत उद्देश्य हो, इन सब में जो कुछ भी कार्य करने वाले संसाधन या व्यक्ति संलग्न हैं, वो सब कहां से आए हैं? समाज से तो मिले हमको भाई, ये सब कुछ हमें किसने दिया? हम जो संसाधन यूज कर रहे हैं हमारे पास कहां से आए? समाज ने हमको दिए। और हम जो कुछ उत्पादित कर रहे हैं वो किन के पास जा रहा है? समाज के पास में। समाज ने हमको कुछ दिया, और उसके बदले में हमने समाज को कुछ दिया, कुछ के बदले कुछ मिला ना। तो यही होता है सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि हमारा फोकस किस पर रहता है? समाज पर। हमें समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है। जब हम समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, तो स्वतः ही आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो
संगठन को ध्यान रखना होता है कि उसे समाज की जो आवश्यकताएं हैं उनका पता लगाना होता है और उनमें से ऐसी आवश्यकता जो सबसे अधिक व्यापक है, सबसे ज्यादा जिसकी डिमांड है, उसका सिलेक्शन करना है और उस बेसिस पे कार्य करना है। तो सामाजिक उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर उद्देश्यों की चर्चा करी, जिसमें सबसे पहला आपका था प्राथमिक उद्देश्य, जिसमें मैंने आपको बताया उचित कीमत पर उत्पाद और सेवा का उत्पादन करना है। सेकंड बात किया कि हमने मैंने कि उचित मूल्य पर वितरण करना है। बात करेगा थर्ड पॉइंट की, तो इसमें हमने आपको बताया कि जो संसाधन उस संस्था में संलग्न है उनको उचित प्राइस में मिलना चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं होता है। अच्छा जी, अगला है उचित मात्रा में लाभार्जन। बिना लाभ के कोई भी संस्था जो है वो निरंतर व्यवसाय में नहीं रह सकती। तो प्राथमिक उद्देश्य की बात की थी अपन ने, फिर सहायक उद्देश्य की बात की थी, जिसमें अपन ने देखा संसाधनों का सदुपयोग करना है, जिसमें हमने ये देखा था कि जो योग्य व्यक्ति है उसी को उसकी योग्यता अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। यथोचित समय व स्थान, उचित समय और स्थान का सिलेक्शन करना है और संसाधनों में क्या करना है, तालमेल बिठाना है, जिससे कि आपके उद्देश्य आप जल्दी से प्राप्त कर सकें। उसके बाद में व्यक्तिगत उद्देश्य की बात की थी हमने, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने निजी हित के कारण ही क्या करता है, किसी भी संगठन में जा करके जुड़ जाता है, अपने निजी हित के कारण वो जुड़ जाता है। और बात करते हैं अगर हम फोर्थ पॉइंट की, सामाजिक उद्देश्य की, तो सामाजिक उद्देश्य में क्या होगा भाई, समाज के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो समाज से हो रहा है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं। तो समाज का समाज के लिए सब कुछ उपयोग में हो रहा है, हमने समाज से ही सब कुछ लिया है और फिर वापस समाज को ही दे रहे हैं। तो ये बात है उद्देश्यों की। उद्देश्यों के बारे में हमने चर्चा करने के बाद में हम अब चलेंगे प्रबंध के महत्व की ओर। क्या महत्व है इसका, चलिए देखते हैं, इसके महत्व की चर्चा करते हैं। अच्छा दोस्तों, महत्व की चर्चा करने से पहले मुझे बताइए कि आज से पहले या फिर यूं कहूं कि पिछले कुछ समय से पहले, कुछ समय में आप दशक मान सकते हो, पिछले कुछ दशक जो हैं अपने बीत गए हैं, उस समय से पहले जो है प्रबंध के बारे में आपने ज्यादा कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि प्रबंध व्याप्त था लेकिन उसका क्षेत्र कैसा था, बिल्कुल सीमित था, छोटा क्षेत्र था उसका, लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, इसका होना नहीं होना प्रभाव ही नहीं पड़ता था उसका। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जो संगठन होते थे ना, उनमें जो उसका मालिक होता ना वही सारा काम काज कर लेता था। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति आपको ज्ञात है कि किसी भी संगठन को कार्य करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, एक प्रबंधक की नियुक्ति करनी होती है और वह प्रबंधक ही क्या करता है, उस संगठन के अच्छे बुरे के लिए कार्य करता है। यानी क्या हो गया, समय में बदलाव आ गया, समय में बदलाव आ गया और इस बदलाव को हमने स्वीकार भी कर लिया। आप देखिए बड़े बड़े संगठन में जहां भी आप जाएंगे वहां आपको प्रबंधक अलग से मिलेगा, एक अलग से पद बनाया गया है, एक पोस्ट क्रिएट की गई है प्रबंधक के लिए, जो क्या करता है उस संगठन के अच्छे बुरे के लिए उसको कैसे उन्नति की ओर ले जाया जा सके उसके बारे में बात करता है। चलिए बात करते हैं हम इसके महत्व में। महत्व में बात करेंगे अपन उदारीकरण की। उदारीकरण की बात करेंगे हम, उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ उसके बाद में, उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ उसके बाद में, 1990 की बात कर रहा हूं मैं, 1990 का जो दशक पूरा हो गया उसके बाद की बात कर रहा हूं, 1991 के बाद में जो परिवर्तन आए हैं, जो चेंजेस हम देखेंगे, आप खुद कहोगे सब वास्तव में उसमें बदलाव हो गया। कैसे बदलाव हुआ देखिएगा। देखिए उदारीकरण के तहत क्या हो गया कि अब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल हमारे देश तक सीमित नहीं रही है, तो कैसी हो गई, वैश्विक हो गई है। मतलब विश्व स्तरीय, और इस विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में हमें अगर टिके रहना है तो वहां पर आपका प्रबंध बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखते हुए
देखिए क्या क्या बदलाव हुए, उन बदलाव के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में इसके महत्व जो है इनकी चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या बदलाव हुए, उदयीकरण के पहले क्या था, बाद में क्या हो गया, उन पर चर्चा करते हैं। तो अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, कैसी हो गई है, अब हमारी अर्थव्यवस्था वैसे हो गई है, विश्व पूरा एक हो चुका है, पूरा विश्व क्या हो गया है, एक हो गया है। और ऐसे में जब हमें विश्व के साथ में प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमारा लेवल भी तो क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए ना निरंतर। अगर ग्रोथ नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, समय आपको पीछे छोड़ देगा। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, कोरोना के प्रभाव के कारण जब हम लोग स्कूल में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, बदलना है। तो इसी बदलाव के साथ साथ देखो क्या बदलाव यहाँ है, तो देखते हैं उदारीकरण से पूर्व क्या था और इसके पश्चात क्या बदलाव आ गए। तो पूर्व और पश्चात की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा मैं विक्रेता बाजार, मतलब बाजार पर किसका एकाधिकार है, बाजार पर एकाधिकार है किसका, बेचने वाले का, सेलर का, विक्रेता का। वो अपनी मनमानी करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि सीमित एरिया है इसलिए उसकी मनमानी चल रही है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, तो आजकल क्या होता है, विचारधारा चेंज हो गई, उसके बाद में क्या हो गई, क्रेता बाजार, मतलब ग्राहक बाजार का राजा। अब संगठन को क्या करना है मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, ग्राहक को क्या चाहिए, ग्राहक को क्या चाहिए, मतलब एकाधिकार से किस पे आ गए हम, प्रतिस्पर्धा पर आ गए। जहां पहले बाजार पर विक्रेता का एकाधिकार होता था, अब इनका एकाधिकार समाप्त होकर के क्या हो गया है, अब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, जो व्यक्ति कम कीमत पर अच्छी वस्तु उपलब्ध कराएगा हम उसी के पास जाएंगे। और अगर मैं बात करूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो आपको पता है कि हम आजकल छोटी दुकान पर चढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं, तो कहां चढ़ना पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं बड़े बड़े शोरूम में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर हमें वस्तु उचित कीमत पर भी मिलेगी और जो वस्तु हमें चाहिए वो यथा संभव वहां पर हमें मिल ही जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा वो इसका लेवल कितना बढ़ गया है। मैं बात करता हूँ अपने लोकल एरिया की, जहां मैं रहता हूँ, मैंने वहां पर बहुत सारे बदलाव देखे, छोटी छोटी दुकानें बड़े बड़े शोरूम में तब्दील हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ग्राहक की डिमांड के कारण, उनकी जो मांग है उसके फलस्वरूप ये परिवर्तन आए हैं। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट इसका आता है, आंतरिक प्रतिस्पर्धा, यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से करेंगे, आपको कोई भी किसी से लेना देना है नहीं, आपके जैसे कोई ऑफर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आप अगर स्वेच्छा से चाहते हो कि मुझे अधिक लाभ अर्जन करना है, लाभ कमाना है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। लेकिन समय में बदलाव हुआ है ना, बदलाव के कारण क्या हुआ, तो देखिए यहां पर आंतरिक तो था ही और क्या जुड़ गया, बाह्य। आंतरिक के साथ साथ बाह्य, मतलब अब आपके जो प्रतिस्पर्धा है, आपका जो कंपटीशन है, आप तक सीमित नहीं रहा है, तो कहां तक चला गया, इसका लेवल भारत तक भी सीमित नहीं है, अब तो इसकी सीमा चली गई विश्व स्तर पर। तो ऐसे में अब आपकी प्रतिस्पर्धा आंतरिक ना होकर कैसी हो गई है, बाह्य हो गई है। उसके बाद में पूर्व में लाइसेंस प्रथा थी, जो कि अब कुछ उद्योग पर लागू है, कुछ मतलब 3 उद्योग पर लागू है, बाकी सब पर लाइसेंस प्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन अब अगर बात करें यहां, तो क्या होगा, यहां पर प्रतिस्पर्धा जो है वो ये निर्धारित करती है कि आपकी क्षमता का कितना विकास होगा। यहां पर लाइसेंस नहीं, यहां पर आपकी क्षमता का विकास।
कितनी कैपेसिटी है आपकी, क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं, जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जितना अपना बिजनेस बनाएंगे, सरकार को फायदा है, हम लोगों को फायदा है, जो बिजनेस चला रहा है उसको फायदा है, यानी अपने देश को पूरा फायदा होगा इसका। उसके बाद पहले क्या था, अधिक लाभार्जन, मतलब फोकस रहता था केवल पैसा कमाना है, लेकिन अभी क्या होता है, अधिकतम ग्राहक की संतुष्टि, यहां पर कल्याण की बात करेंगे अपन। लाभार्जन पूर्व में था, अब लाभार्जन से क्या हो गया, हम पहुंच गए कल्याण की ओर। कल्याण किनका, ग्राहकों का, ग्राहकों के कल्याण को ध्यान में रखकर के हमें कार्य करना है। तो यहां पर लाभार्जन जो है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी क्या रहेगा, ग्राहकों को ध्यान में रखना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनकी नीड का पता लगाना और उनको पूरा करना। उसके बाद में यहां पर अगर अपन बात करें तो जो संसाधन है मानवीय संसाधन, ये मानवीय संसाधन होते थे गौण, लेकिन यही मानवीय संसाधन यहां क्या हो गए हैं, प्राथमिक, इन्हें प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सारा काम काज इन्हीं के बेसिस पे चल रहा है। यही तो धुरी है किसी भी संगठन की, ये धुरी, धुरी मतलब जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, तो इनको प्राथमिक माना जाता है, जबकि पूर्व में ये कैसे थे, गौण थे। सारे साथ में अगर बात करें प्रबंध की, तो यहां पर प्रबंध जो था वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, यानी प्रबंध सहायक के रूप में था, प्रबंध सहायक के रूप में था, जबकि यहां क्या हो गया है, यहां पर प्राथमिक हो चुका है, महत्वपूर्ण है, अब सारा काम का जो है वो प्रबंध के बेसिस पे ही संपन्न होगा। तो उदयीकरण से पूर्व क्या था, इसके पश्चात क्या बदलाव आ गए, हमने यहां देख लिया है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्व पर, किसके महत्व है, प्रबंध के महत्व, क्या महत्व है प्रबंध के, उनके बारे में चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट लिखा है प्रतिस्पर्धा का सामना करना, प्रबंध क्या करता है, हमें इस योग्य बनाता है, किस योग्य बनाएगा, कि देखो अब हमारा जो स्तर है उसका मापन हमें केवल देश के लेवल पर तो करना नहीं है, पूरे विश्व के साथ में हमें प्रतिस्पर्धा है, तो उस प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग, प्रतिस्पर्धा के अकॉर्डिंग, प्रतिस्पर्धा के अनुसार आपके सामने समस्त विधियों का अनुसरण किया जाता है, देखा जाता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है, उस अनुसार योजना का निर्माण किया जाता है और अधिकतम लाभार्जन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे जो प्रबंधक हैं, हमें इस योग्य बनाएंगे जिससे कि हम क्या कर सके, प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। सेकंड है संसाधनों का विकास, महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा संसाधनों का विकास, क्योंकि इन्हीं संसाधनों के मार्फत तो हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा उत्पादन कार्य इन्हीं पर टिका हुआ है, तो संसाधनों का विकास जो है वो भी यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका विकास जरूरी होगा। संसाधनों का समुचित उपयोग, विकास कर लिया आपने, अब उनका क्या करना, आपको यूज करना है, कैसे करोगे, जो योग्य व्यक्ति है, योग्यताधारी जो कर्मचारी है, उसी योग्यताधारी कर्मचारी को उसकी क्षमता के अनुसार उस कार्य में क्या कर दिया जाएगा, संलग्न कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा क्षमता के अनुसार, उसकी जो कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है, दिक्कत ये रहेगी कि वो व्यक्ति जो है उस संसाधन का समुचित उपयोग नहीं कर पाएगा। अगला बिंदु आता है नव प्रवर्तन, नव प्रवर्तन की बात करते हैं अपन, और आप लोग सब जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम, जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, बदलाव करना है। इस बदलाव के बारे में मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को जब ये पता होता है कि मार्केट में नया फोन लॉन्च हुआ है,
आप लोग उसे परचेज करने के बाद जा जाते हैं, मोबाइल लेकर के आए, उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उसी समय आपको ये पता चलता है कि कल एक और नया फोन लॉन्च होने वाला होता है। कितना आपको बुरा लगता है, यार काश मैं एक दिन रुक जाता, ये नया फोन मेरे को मिलता। मतलब नवाचार, हर रोज जो कुछ नया अपडेट हो रहा है हमें वो चीज चाहिए। और ये नवाचार जो हो रहा है, जो अपडेशन हो रहा है, ये जो अपडेट हो रहा है वो किसके लिए होता है? ये होता है ग्राहक के लिए। ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किया जाता है, क्योंकि ग्राहक क्या चाहता है, हर रोज कुछ नया चाहता है। आप देखिए, पुराने समय में आप जो कुछ चीजें यूज करते थे वो आज आपको उसी रंग रूप में नहीं मिलेगी, उनमें काफी कुछ बदलाव हो चुका है। और ये बदलाव किसके कारण होता है? उसमें होने वाले चेंजेस के कारण उनमें बदलाव करते हैं, क्योंकि ग्राहक जो है निरंतर अगर एक ही वस्तु का उपयोग करेगा तो क्या हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा उस वस्तु से। तो ऐसे में क्या करते हैं प्रबंधक, उनमें निरंतर कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, और इसी बदलाव को नव प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। अब देखिए, आपका जो संगठन है सबसे पहले क्या जरूरी है, उसका अस्तित्व होना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका संगठन वृद्धि करे, ग्रोथ करे, ठीक है, कर लेगा ग्रोथ, लेकिन उससे पहले उसका अस्तित्व होना चाहिए। जब उसका अस्तित्व होगा तभी तो वो ग्रोथ कर पाएगा। और दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक। तो दीर्घकालीन अगर आप चाहते हैं कि आपका अस्तित्व बना रहे, तो इसके लिए आपको ध्यान किसका रखना है, लाभार्जन का। समुचित मात्रा में आपको लाभ की भी प्राप्ति होनी चाहिए, बिना लाभ अर्जित किए आप अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते। अच्छा, इसमें एक वर्ड जो दे रखा ना, संरक्षण, मतलब एक प्रकार की सिक्योरिटी। बट ध्यान रखिएगा, ये संरक्षण जो होता है ये विकास का अवरोधक होता है। लिख देता हूं मैं आपके यहां सामने, यहां पर संरक्षण विकास का अवरोधक होता है। कैसे होता है, आप लोग देख लीजिए कि जब किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है ना, वो बेफिक्र हो जाता है। जैसे हमारे देश में अगर हम गरीबों की बात करें, वो लोग बेफिक्र हैं। क्यों बेफिक्र हैं? क्योंकि सरकार को उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है, क्योंकि उनको क्या प्राप्त हो रहा है, संरक्षण प्राप्त हो रहा है। वो लोग मेहनत नहीं करना चाह रहे, वो लोग संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन्होंने क्या कर लिया, अपने विकास को रोक लिया। अवरोधक का मतलब क्या होता है, रोकना, प्रतिबंधित। वो अब सुरक्षित है तो वो क्यों कार्य करेगा। तो संरक्षण विकास का क्या होता है, अवरोधक होता है। इसके बाद आता है देश का आर्थिक विकास। अब देश के आर्थिक विकास में आपको पता है कि उस देश में उपलब्ध संसाधन, साथ साथ में उन संसाधनों का उपयोग करने वाले जो मानवीय संसाधन है, उसके बाद उनकी स्थिति, और साथ ही साथ में और क्या जरूरी है, और जरूरी है उचित स्थान समय की। क्योंकि देश का विकास निर्भर करता है उस संगठन के विकास पर। एक संगठन जितना अपना विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसके विकास से ही देश का भी विकास होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम राष्ट्रीय आय की जो बात करते हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, क्या होती है, एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जो अंतिम वस्तु या उत्पाद है उनसे प्राप्त वस्तु सॉरी मुद्रा जो है वही हमारे देश की राष्ट्रीय आय है। यानी कि देश में उत्पन्न, उत्पादित, कौन उत्पादन करेगा, वहां जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो व्यावसायिक उपक्रम है, उन व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा उस अपने विकास के खातिर जो कुछ किया जाता है वही देश के विकास में अपने आप ही संलग्न हो जाता है। तो देश का आर्थिक विकास जो है
वो किस पर निर्भर करेगा, यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्भर करती है किन पर, इन बड़ी बड़ी संस्थाओं पर जो उस कार्य को करने में संलग्न है। अगला है विभिन्न रुचि समूहों में समन्वय। रुचि समूह कौन कौन से हो जाएंगे, तो कर्मचारी, ग्राहक, सरकार, आपूर्तिकर्ता, यानी सब जो क्या कर रहे हैं, किस न किस रूप में उस संगठन से जुड़े हुए हैं। एक कर्मचारी चाहता है उसे अधिकतम वेतन प्राप्त हो, ग्राहक चाहता है उसे कम कीमत में वस्तु मिले, सरकार चाहती है उसे अधिकतम आय हो, टैक्स की प्राप्ति होनी चाहिए ना, कर के लिए करते काम, और आपूर्तिकर्ता चाहता है उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो इन सब कार्यों के लिए सब लोग संलग्न हैं और इनमें उचित तालमेल बिठाना है, उनको समन्वय होना चाहिए, आपस में कनेक्टेड होते एक दूसरे से। उसके बाद में आता है समाज में स्थिरता। तो देखिए जैसे जैसे बदलाव होते हैं उन बदलाव को समाज में लागू करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि देखो कोरोना ने पूरे विश्व में एक तरह से विश्व मंदी ला दी है, ऐसे में अगर हम रुक जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है हम वापस ग्रोथ कर पाए। हमें निरंतर ग्रोथ करने के लिए क्या करना है, बढ़ते रहना है। जैसे हम लोग भी आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता ना आ जाए। हम जो बदलाव ला रहे हैं, हम जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं आपके लिए, क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमें भी क्या करना है, समाज में स्थिरता लानी है, हमें निरंतर बढ़ना है। और समाज इसको अब क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, ऑनलाइन क्लास को सरकार कर रहे हैं ना आप लोग। जैसे जैसे समाज भी क्या करता है, जो कुछ बदलाव आते हैं, जो कुछ नया परिवर्तन होता है, जो कुछ भी नवाचार होता है, चाहे समय से सही देर से सही, लेकिन समाज क्या करता है, उसको स्वीकार करता है, नवाचार को स्वीकार करना। और ये जो स्वीकार कर रहा है यही क्या करता है, समाज में स्थिरता लाता है। तो देखिए हमने महत्व की बात कर ली है, जिसमें हमने प्रतिस्पर्धा का सामना किया, संसाधनों का विकास, संसाधनों का समुचित उपयोग, नवप्रवर्तन एवं उसका उपयोग, संगठन का अस्तित्व एवं वृद्धि, देश का आर्थिक विकास, विभिन्न रुचि समूह में समन्वय और समाज में स्थिरता, ये सब टॉपिक पर हमने आज चर्चा करी है। प्रबंध के बारे में इसके बारे अगला जो अपना टॉपिक रहेगा, जिनके बारे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप यहाँ तक पढ़िए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है। थैंक यू।